टीम इंडिया की हार की वजह से आप में और यहाँ तक कि पूरा देश खामोश हो चुका है ये ऐसा हिस्टोरिकल मैच था जो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की जीत पक्की है लेकिन अचानक ऐसा मोमेंट हुआ कि एक के बाद एक विकेट जाने लगे और सब कुछ खत्म हो गया आखिर इंडिया जैसे अनडिफिटेड टीम को कैसे आरा पाई ऑस्ट्रेलिया सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में देखो क्रिकेट की शुरुआत 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में हुई थी उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 17 सेंचुरी में क्रिकेट को इंडिया लाया था और जो पहला मैच हुआ था इंडिया में वो 1721 में हुआ था 1848 ऐसा साल है जब इंडियंस द्वारा क्लब बनाया गया था कुछ पारसी लोग थे जिन्होंने मुंबई में ओरियंटेड क्रिकेट क्लब यानी ओसीसी बनाया था और एक और बात है जो शायद आपको शॉक कर देगी वो यह है की सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेला गया था वो न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब द्वारा खेला गया था यूएसए और कैनेडा के बीच में करीब एटीन 1944 में और फिर 1909 में आईसीबी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की स्थापना हुई जिसे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब भी कहा जाता है और फिर इसके बाद इंटरनेशनल खेले जाने लगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ये उस वक्त की टीमें हुआ करती थी करीब नाइनटीन में बीसीसीआई बना और उसके बाद ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून नाइनटीन में इंडिया की पहली मैच हुई थी इंग्लैंड के साथ थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही डॉमिनें रही है 1947, 1999, 2003, 2009 ये वो साल था जब ऑस्ट्रेलियन टीम का दबदबा हुआ करता था काफी कम टीमें हुआ करती थी जो इनको डोमिनेट कर पाती थी देखो 1979 में इंडिया ने दिखा दिया था कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनली अपनी पकड़ बना चुका है और फिर 1983 में इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप की रेस में जीत हासिल करता है और वर्ल्ड कप जीत जाता है और उस वक्त के जो कैप्टन थे वो कपिल देव थे और फिर आगे चल के 1992 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत लेता है और फिर में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही ऐसी टीम होती है जो कंसिस्टेंटली तीन बार वर्ल्ड कप जीत लेती है और फाइनली एम एस धोनी के कैप्टनसी में साल ट्वेंटी में फिर एक बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था नाइनटीन एटी थ्री ऐसी दो हजार ग्यारह तक करीब अट्ठाईस साल लगे थे इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने में दो हजार पंद्रह और दो हजार उन्नीस लगातार मिले दो वर्ल्ड कप की हार के बाद अब वक्त आता है दो हजार तेईस के वर्ल्ड कप का यह न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप था जब मोहम्मद शामी ने सात विकेट पटकाए थे और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया था तब सबकी नजर टिकी पड़ी थी इंडिया पर सभी इंडियंस प्लेयर ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था टीम इंडिया के लिए और लगातार नाइन मैचेस जो है वो इंडिया जीत जाता है सबको यही लग रहा होता है कि इंडिया की जीत जो है वो पक्की है यही सोच रहे थे कि इंडिया ने सभी के सभी मैचेस जीती है और कंसिस्टेंटली अनडीफीटेड रही है तो बस फाइनल में भी आराम से जीत जाएगी देखो वीडियो में आगे जाने से पहले एक और बात क्लियर करूं कि इंडिया से पहले भी वेस्ट इंडीज दो बार अनडिफिटेड टीम रही है और फिर 1996 में श्रीलंका भी अनडिफिटेड टीम रही है एक भी मैच नहीं आ रही थी श्रीलंका ने और एक बात ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम रही है जो 2003 में और 2007 में ग्यारह के ग्यारह मैचेज ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए थे और साथ में वर्ल्ड कप भी लेके गई थी देखो 2023 में लगातार टीम इंडिया की जीत हो रही थी तब धोनी को पूछा गया था तब एम एस धोनी ने शायद सही कहा था कि जब तक वर्ल्ड कप हाथ में नहीं आता तब तक हमें सिंगल सेलिब्रेशन भी नहीं करना चाहिए बस फोकस करना चाहिए और जब तक हम हारते नहीं तब तक हमें सामने वाले की स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अच्छे से जानती थी इंडिया के स्ट्रेंथ के बारे में बैटिंग में हो या फिर बॉलिंग में इंडिया को हराना लगभग नामुमकिन है इंडिया की एक ही कमजोरी है वो ऑस्ट्रेलिया ने जान ली थी वो थी पुअर फील्डिंग और उसके रिवर्स में ठीक ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग में ज्यादा फोकस किया आपने भी देखा होगा की ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग इतनी टाइट थी की इंडियंस प्लेयर को बाउंड्री मारने तक दिक्कत आ रही थी ऑस्ट्रेलिया ने विनिंग के लगभग लास्ट बॉल तक चीते की चाल चली और वो दो का वर्ल्ड कप भी जीत गए इस साल दिवाली से ज्यादा इमोशन जो था वो वर्ल्ड कप पर था इवन हर कोई चाहता था इंडिया जीते आखिर के दस ओवर तक इंडियंस ने ओपनिंग रही थी हर एक इंडियंस के फेस पे खामोशी दिख रही थी और दिल से आवाज आ रही थी कि इंडिया मैच जीतेगा देखो हार और जीत खेल के दो पहलू होते हैं हम इतने उदास हो गए थे तो हमारे प्लेयर का क्या हुआ होगा कितना प्रेशर होगा कितनी उम्मीदें होगी क्या सोच रहे होंगे इंडियन प्लेयर्स के आंखों से आंसू आ रहे थे आखिरी सांस तक लड़े थे देखो इस हार को भी जीत की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए जो भी हो इंडियंस प्लेयर ने दो के वर्ल्ड कप में फाड़ के रख दी थी हमारे सभी खिलाड़ियों ने दुनिया को दिखा दिया था की इंडिया से बेहतर कोई नहीं है और बस फाइनली यही कहना है की आज दिन तुम्हारा था कल हमारा होगा थैंक यू